आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। इस विश्व कप में 3 मुकाबले ऐसे खेले जा चुके हैं जिसमें उलटफेर देखने को मिला है, और इस टीम में नीदरलैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि साउथ अफ्रीका को धर्मशाला के मैदान पर हरा कर सभी देशों को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं एक बार फिर से इस टीम से उम्मीद होगी कि ऑस्ट्रेलिया को यह टीम उलटफेर का शिकार बना सकती है। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इस मुकाबले से जुड़ी आगे की खबरें। दरअसल दोनों देश के मुकाबले में हम पहले तो जरूर सोच सकते थे कि यह मुकाबला एक तरफा होगा और ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल करेगी, मगर जिस हिसाब से यह विश्व कप चल रहा है वैसे में हम किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते हैं। अफगानिस्तान ने पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान को हरा दिया है और प्रूफ कर दिया है कि वो किसी भी टीम को हराने में सक्षम है। वहीं नीदरलैंड को भले ही पिछले मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, मगर उससे पहले इस टीम ने साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम को हरा चुकी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को इस टीम से सावधान रहना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस टीम की शुरुआत विश्व कप में कुछ खास नहीं रही थी, मगर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया अपनी लय में वापस लौटती जा रही है। पहले दो मुकाबले में हार मिलने के बाद इस टीम ने जबरदस्त कमबैक किया, पहले श्रीलंका को मात दी, उसके बाद पाकिस्तान को हराया। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अंक तालिका में भी चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। हालांकि टीम के तेज गेंदबाज इस वक्त कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि बल्लेबाजी में दम दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले मुकाबले में ही हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने शानदार शतक लगाया था। उसी तरह की उम्मीद एक बार फिर से दोनों खिलाड़ियों से होगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर इस वक्त कुछ खास नहीं कर पा रहा है। स्टीव स्मिथ जिस तरह के खिलाड़ी हैं उस तरह का उनका प्रभाव नहीं दिख पा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया जीत की हैट्रिक लगाता है या फिर नीदरलैंड फिर से पलटवार करने को तैयार है।